आज के सहारे किताब अब्दुल वहाब सुखन का खैर मुकदम करें गुलदस्ते के जरिए। जनाब सलीम ने सलीम साहब अब्दुल वहाब सुखन को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। आज की हमारी महफिल में एक बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ फरमा है, वालिदे डॉक्टर हिफ्जुर रहमान साहब, हम उनके बेहद ममनून और मशहूर हैं और दिल की गहराइयों से उनका इस महफिल में खैर मकदम करते हैं। वो तशरीफ लाए, हमारे लिए महफिल की रौनक बढ़ा दिया। मैं जनाब आबिद अकील साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वालिद हिफ्जुर रहमान साहब की को गुलदस्ता पेश करें। और एक शख्सियत हमारे सामने इस महफिल में मौजूद है और मेहमान हैं, हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, बुजुर्ग शायर हैं, जनाबे अलीउद्दीन गौहर साहब। जनाब अलीउद्दीन गौहर साहब को फूलों का नजराना पेश करने के लिए मैं जनाब अंजर हैदराबादी से कहूंगा। के बाद शानकुशी की रिवायत को भी हम बरकरार रखते हुए जनाबे डॉक्टर हिफ्जुर रहमान साहब और सदर महफिल जनाबे डॉक्टर मोहम्मद कैसर साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो मुश्तरका तौर पर अब्दुल वहाब सुखन साहब की शानकुशी फरमाएं और तमगाए तहनियत से नवाजे। जनाबे अख्तरुल इस्लाम सिद्दीकी साहब, थोड़ी सी जहमत कीजिए और इस तरफ आए हैं और आप आज के मेहमान शायर की शानकुशी फरमाएं। आज की शाम सफर में आप तमाम हजरात का दोबारा तंजीम हिंदुस्तानी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती है और आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर हिफ्जुर रहमान के भी हम ममनून मशकूर हैं कि हमारी दावत को वो शर्फ कबूलियत बख्शी। इसके अलावा आज के मेहमान शायर का भी खैर मकदम किया जाता है।